अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक केजी बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है एक केजी चिकन। इसको हम अच्छे से वॉश करके इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल दही। करेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच नमक, आधा चम्मच फूड कलर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। गैस पे चढ़ा दिया 1 भगोना, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी रिफाइन ऑयल। साथ ही हम डालेंगे इसमें 6 से 7 प्याज हमने चॉप कर लिए, इसको डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम अलग करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 5 से 6 हरी इलायची, आधा चम्मच लौंग, 3 पीस जावित्री, 1 चम्मच जीरा, 3 तेज पत्ते, 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची। इन सबको डाल के अच्छे से सौटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 केजी टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और साथ ही 10 से 12 हरी मिर्चें। इसको करेंगे मिक्स। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर पकाएंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं काजू बादाम गरी और कुछ खड़े गरम मसाले, इनको हम पेस्ट बनाएंगे। 10 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे काजू बादाम गरी और गरम मसाले का पेस्ट। इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको और हम पकाएंगे। यहाँ पर रखनी हो गई है तैयार। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चावल के लिए पानी चढ़ाया था, पानी बॉईल हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे नमक, इसमें साथ ही डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच काली मिर्च। पानी हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे भीगा हुआ चावल। चावल को 80% कुक कर लेंगे। ये देखिए चावल कुक हो चुका है। अब हम चावल सेपरेट करेंगे। गैस पे रख दिया है हमने 1/2 भगोना। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल गरम होने के बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब
अब हम इसमें लगाएंगे चावल के लेयर। चावल की लेयरिंग हो चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे कीड़े में मिक्स किया हुआ फूड कलर, साथ ही ऐड करेंगे थोड़े से गरम मसाले, साथ ही डालेंगे हम इसमें फ्राई की हुई प्याज और कुछ पुदीना के पत्ते। अब हम इसमें ऐड करेंगे तैयार की हुई यखनी। इसी तरह से अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे। लेयर लग चुकी है, पेपर से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें बिरयानी तैयार हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स करके और हम सर्व करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।